दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक छोटा सा प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर इसका प्रोग्राम बताइए। तो वो प्रोग्राम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिकली उनका प्रोग्राम क्या था, राइट ए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू कॉपी 40 डेटा स्टोर इन ए मेमोरी लोकेशन विच स्टार्ट फ्रॉम 30H टू न्यू मेमोरी लोकेशन दैट स्टार्ट फ्रॉम 35H। नोट एड 3 टू ईच नंबर बिफोर स्टोर इट न्यू मेमोरी लोकेशन। तो बेसिकली प्रोग्राम उनका है क्या कि एक मेमोरी लोकेशन हमारा 30 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 40 डेटा स्टोर है। हमें क्या करना है, इस डेटा को कॉपी करना है एक मेमोरी लोकेशन जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन कॉपी करने से पहले जो भी डेटा है उसमें हमें 3 ऐड करना है। मीन्स मान लीजिए इस पे एक्स है तो यहाँ पे हमें एक्स प्लस 3 स्टोर करना है, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे वाई प्लस 3 स्टोर करना है। तो ये बेसिकली उनका क्वेश्चन है। तो मैं बता रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसमें क्या है कि हम काउंटर सेट करेंगे। तो हमने लिया मूव आर वन हैश 40H, ये हमारा हो गया काउंटर क्योंकि हमें 40 डेटा मूव करने हैं, उसके बाद हम डिसाइड कर लेते हैं अपना सोर्स लोकेशन 30H, ये हमारा हो गया सोर्स में हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही हमने डिसाइड कर लिया R2 हैज 45H, ये हो गया डेस्टिनेशन, ये हमारा हो गया सोर्स और ये हो गया डेस्टिनेशन। मीन्स इसका डाटा इस पर शिफ्ट करना है प्लस 3 ऐड करके, ये बेसिकली प्रोग्राम है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीन्स जो हमारा प्रोग्राम है सपोज ऐसे है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस लोकेशन पे जो भी डेटा है उसको एक्युमुलेटर में लेना है, इसको यहाँ पे स्टोर कर देना है प्लस 3 करके, मीन्स ये डेटा एक्युमुलेटर में लीजिए, 3 ऐड कीजिए, फिर इसको स्टोर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम पहला डेटा स्टोर करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे मूव ए कामा एट द रेट 0 R0। इसका मतलब ये हुआ कि इस मेमोरी मीन्स ये जो हमारा डेटा था अब यहाँ पे मेमोरी लोकेशन कन्वर्ट हो गया, तो इस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा होगा वो एक्युमुलेटर में शिफ्ट हो जाएगा, अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, ऐड 3 ऐड हो गया। अब हमें 3 ऐड करने के बाद इस डेटा को इस पे शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा मूव एक्स एट द रेट, मीन्स इसका पहला डेटा इस पे शिफ्ट हो गया प्लस 3 ऐड करके। ये तो सिर्फ फर्स्ट डेटा की बात हुई, हमारे पास 40 डेटा है तो इस केस में क्या होगा, इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना होगा। तो पहले हम काउंटर की वैल्यू चेक करेंगे, डी जे एन जेड आर वन। अब यहाँ पे आर वन की वैल्यू है 39 क्योंकि इसका मतलब होता है डी सी आर प्लस जे एन जेड, तो इसकी वैल्यू को एक डिक्रीमेंट करेगा 39, मीन्स दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे सॉरी, इसके पहले हम क्या करेंगे, एक काउंटर इंक्रीज कर देंगे, आई एन सी आर जीरो जो कि 31 को रिप्रेजेंट करेगा, फिर आई एन सी आर टू जो 46 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, काउंटर की वैल्यू चेक करेंगे कि काउंटर की वैल्यू क्या है, 0 है कि नहीं है। 0 है मीन्स सारा डेटा आपका मूव हो चुका है, अगर 0 नहीं है मीन्स उस ऑपरेशन को अभी हमें रिपीट करना है। तो इस केस में क्या होगा, डी जे एन जेड आर वन, तो यहाँ पर देखेंगे आर वन की वैल्यू 39 है, मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स हमें क्या करना है, ये सीधे यहाँ पे जंप हो जाएगा, जंप हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर देख सकते हैं आर जीरो की वैल्यू क्या हो चुकी है 31। अब 31 का लोकेशन का डाटा एक्युमुलेटर में आएगा, 3 ऐड होगा, यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या हो चुकी है 46, अब ये 46 पे मूव हो जाएगा, फिर नीचे आएगा ये 32 हो गया, ये 47 हो गया,
इसकी वैल्यू 38 हो गई, ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगेन यहाँ पर जंप करेगा तो यहाँ पे 32 का डाटा आ गया, उसमें ऐड हो गया, यहाँ 46 पे, सॉरी 47 पे कॉपी हो गया। फिर नीचे आएगा, ये हो गया 33, ये हो गया 48, ये हो गया 37, अगेन ये जाएगा। ये प्रोसेस आपका बार बार रिपीट होगा जब तक कि R1 की वैल्यू 0 न हो जाए। जैसे ही R1 की वैल्यू 0 होगी, ये इसके बाहर आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था, उम्मीद करता हूँ उनको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार दोबारा मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक काउंटर सेट करेंगे क्योंकि 40 डेटा में मूव करना है। उसके बाद हमने एक सोर्स डिसाइड कर लिया, सोर्स मेमोरी लोकेशन। उसके बाद हो जाएगा ये डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन। ओके, तो ये हमारा हो गया सोर्स और ये हो गया डेस्टिनेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस लोकेशन का डाटा एक्यूमुलेटर में लेंगे, उसमें 3 ऐड करेंगे और इस पर शिफ्ट कर देंगे। तो हमने किया मूव ए, मीन्स इस लोकेशन का डाटा एक्यूमुलेटर में आ गया, इसमें हमने 3 ऐड कर दिया, 03। अब इसको हमने क्या किया, इस पर शिफ्ट कर दिया। तो मूव एक्स R2, ये इस पर शिफ्ट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट डेटा लेने के लिए INC R0 और INC R2 कर दिया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 31, इसकी वैल्यू हो जाएगी 36। अब हम काउंटर की वैल्यू चेक करेंगे, DJNZ R1। अब यहाँ पर देखिए काउंटर की वैल्यू क्या हुई, 39, मीन्स दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा, फिर इस पर जंप करेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे R0 की वैल्यू कितनी हो गई है, 31। तो 31 मेमोरी लोकेशन में जो डेटा होगा किलोमीटर में आ जाएगा, फिर इसमें 3 ऐड होगा और फिर 46 पे कॉपी हो जाएगा। फिर नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू गई 32, ये हो गया 47, ये हो गया 38। अगेन जाएगा तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 32 मेमोरी लोकेशन का डाटा किलोमीटर में आएगा, उसमें 3 ऐड होगा, 47 पे कॉपी हो जाएगा। फिर नीचे आएगा, ये 33, ये 48, ये 37। तो ये जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये ऑपरेशन ऐसे ही चलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हो उनको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह का प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं। तो अगर आपके पास कोई और भी प्रोग्राम है माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड या माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रोग्राम ज़रूर लिखें। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि इस प्रोग्राम को सॉल्व करके एक वीडियो आपके लिए बना सकूँ। अगर इसमें कुछ भी इशू है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक और हर इंस्ट्रक्शन आपसे दोबारा डिस्कस कर सकता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।